नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। मैं बहुत दिन बाद अपने वार्ड में ब्लॉक में आ रहा हूँ, क्योंकि तबीयत में ख़राब की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अभी मैं नगर परिषद जोगबनी में ही हूँ, पीसी जी का चैम्बर में आया हूँ। और ये हमारे एक भाई बैठे हुए हैं नवीन जी, ये एक केंद्रीय सर्वे के वहाँ से पूर्णिया से आए हैं, और इनसे मैं जानकारी ले रहा हूँ कि ये मेरे वार्ड में कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। और आप थोड़ा बताएं नवीन जी इसके बारे में, आप मेरे वार्ड में जो करेंगे सर्वे कैसे कैसे करेंगे बताइए जी। मेरा शुभ नाम हुआ नवीन कुमार साहब, मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया से आया हूँ। ये आपके शहर में पूरे जोगबनी में हो रहा है, इसे बोला जाता है शहरी ढांचा सर्वेक्षण, अर्बन फ्रेम सर्वे। ये एक डिजिटलाइजेशन नक्शा बन रहा है हमारे शहर का, जितने भी भारत के शहर हैं, शहरी क्षेत्र, नगर परिषद हो या नगर निगम, ये सारे नगर परिषद और नगर निगम में सारे में ये काम हो रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें हर एक डोर टू डोर, हर एक घर पे एक मकान, उसमें कितने परिवार रह रहे हैं, उसका सूचीकरण भी बनाना जरूरी है। आने वाले समय में सरकार द्वारा बहुत सारा योजना आती है, सरकार को पता नहीं रहता है कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो ये सूचीकरण तैयार होने के बाद उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे एक वार्ड में इतने परिवार हैं, इतने परिवार के अनुसार इतना योजना यहाँ आना चाहिए। बस इसी के लाभदायी होने के कारण मैं आपके जो वार्ड पार्षद है उनके साथ बैठ के साझा कर रहा हूँ। तो मुझे नवीन जी बहुत सारी जानकारी दिए हैं, और उम्मीद है कि आज आपको तारीख 27 तारीख है, और कल उम्मीद 28 तारीख है, तो कल से आपको नया टोला से ये पहले चालू होगा, और वहाँ से वो प्रोसेस घर से चालू होगा। कल सुबह आपको 7 बजे से 7-8 बजे से ये चालू कर देंगे। लास्ट छोर पीछे जो मदरसा के पास है, वहाँ से वो डोर टू डोर चालू करूँगा। और मेरे जो ब्लॉक देख रहे हैं, मेरे ब्लॉक संख्या 1 की जितनी भी जनता है, ये मेरे ब्लॉक को ध्यान से देख लें, क्योंकि अभी ब्लॉक संख्या 1 में और 2 में, 3 में, 4 में ये अपने स्तर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक घर को एक वार्ड में वो 154 का लॉट का लिए है, 120 या 150 का लिए हैं, तो उस हिसाब से ये अपना एक लेवल लिए हैं, और उस हिसाब से अपना कैटेगरी करेंगे। तो इसमें ब्लॉक का लेवल कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया हूँ, स्टार्टिंग वहाँ से हो रही है। कल से सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट होंगे। सर ये खुद सिंगल रहेंगे, इनके पास मैं वहाँ की जितने भी जनता है, जो आपको ब्लॉक संख्या 1 के 2 के 3 के 4 के जितने भी हैं, सब अपने अपने जागरूक रहें, या आपको 1 से 2 दिन के 3 दिन के अंदर भी ये घर घर अपना सर्वे कंप्लीट कर लेंगे। आप इनको देख लें अच्छी तरह से, नवीन जी हैं, ये नवीन जी ही आपके वार्ड में जाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं जाएगा, ये खुद ही सर्वे करेंगे। अभी मेरा पाँव का ऑपरेशन की वजह से मैं ज़्यादातर अभी मैं घर से नगर परिषद की वजह से, डॉक्टर ने मुझे खास करके कहा गया कि आप कम से कम अभी पानी से कीचड़ से बचिए, और बच करके और आप थोड़ा इस चीज़ से बचिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और इसलिए मुझे बहुत दुख है कि मैं वार्ड में नहीं जा पा रहा हूँ। अब भैया से भी कुछ काम था, तो भैया को भी मैं अभी नगर परिषद ही बुलाया हूँ, जबकि मुझे घर पे जाना था, लेकिन डॉक्टर मुझे खास हिदायत दिया है कि कम से कम अभी आप बारिश के पानी से कीचड़ से बचिए, नहीं तो दोबारा अगर इन्फेक्शन मेरा होता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा संभालना, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत क्रिटिकल तरीके से अभी मैं ठीक हुआ हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद से मैं चल भी रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर काम नगर परिषद, किसी को अगर आना जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नगर परिषद ही बुला के मैं उनसे काम करता हूँ। तो मेरे यही गुजारिश है आप जनता से कि कल से ये काम चालू हो रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर अपने वार्ड नंबर 14 के जितने भी ब्लॉक हैं, हर एक घर, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, और अपने के घर घर में वो क्या क्या पूछे हैं क्वेश्चन जो पता है आपको, उस चीज़ का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें साइलेंट भी कराना पड़ता है, कुछ सिर्फ अपना वो अपना मोबाइल से अपना वो सब करके अपना ले लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग जागरूक हो जाए, ताकि कोई अननोन आदमी जाकर के वार्ड में काम ना करे, इसलिए मैंने इनको नगर परिषद बुलाया, मैंने इनसे अपना मीटिंग किया, मीटिंग करके मैंने पूरा जानकारी लिया इस बारे में, और हम लोग एक चिट्ठी भी दिया गया है, हम लोग का ये वहाँ से एक लेटर भी मिला गया, भारत सरकार का मोहर है ये पूर्णिया से हम लोग का, और चिट्ठी भी मिला है, उस हिसाब से इनके हर एक वार्ड में ऐसे सर्वे गए हुए हैं, लेकिन हमारे वार्ड नंबर ऐसे 1 से लेकर 250 वार्ड में सर्वे गए हुए हैं, लेकिन हर एक आदमी, हर एक वार्ड में 2-2 वार्ड दिया गया हर एक टीम को, तो ये मेरे वार्ड 19 नंबर वार्ड और 14 नंबर 2 वार्ड का इनको दिया गया पदभार, बाकी और सब वार्ड के लिए जो जानकारी के लिए, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, हर वार्ड में एक आदमी को डिप्यूट किया गया 2 वार्ड को मिला करके, आप अपना वार्ड पार्षद से जानकारी ले लें, अगर इस तरीका से नहीं हो रहा तो उससे जानकारी लेकर के अपना वो सर्वे अपना करवा लें, या कर रहे तो उनको सहयोग करें। चलिए मैं इसी बात पे अपने इस ब्लॉक का थोड़ा स्वागत करता हूँ, थोड़ा मेरा कुछ काम है, मैं अब काम कर लेता हूँ, और मैं जब भी यानी किसी का मुलाकात करना तो मुझे फ़ोन करें, आप फ़ोन करके मैं नगर परिषद में आपको अवेलेबल लेता हूँ, 10 बजे से लेकर के मैं यहाँ 4 बजे तक बैठता हूँ, ठीक है। मैं इसी बात पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।